हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर फॉर क्लास 8। इन दिस सेक्शन वी स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर। एंड एग्रीकल्चर इज दो वी नो दैट इट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी इन विच द एक्सट्रैक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन और प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज अकर्स। एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स। सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्निंग विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज सोर्सेज लाइक मैनुफैक्चरिंग ऑफ स्टील्स, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लोथ्स आर एग्जाम्पल्स। टर्शियरी एक्टिविटीज प्रोवाइड द ऑल सर्विसेज सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, ग्रेड, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज। बच्चों, पहले एग्रीकल्चर से पहले मैं ये स्टडी करवा देती हूँ कि जो बिजनेस होता है या जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है वो तीन टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनके एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनसे नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली बनाते हैं, जैसे कि माइनिंग करना, कोल माइनिंग करना, खदानें खोदना या एग्रीकल्चर करना, फिशिंग करना। तो ये सब जो है हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त करते हैं, तो उसको प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाता है। दूसरा है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है, कोई चीज़ की प्रोसेसिंग की जाती है, यानी कि उन्हें इंडस्ट्रीज में डाला जाता है नेचुरल रिसोर्सेज को, और उससे जो है दूसरे इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स और रेडीमेड प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, जैसे कि ब्रेड बनाना, कपड़े को बुनना, बेकिंग करना ब्रेड की, स्टील को बनाना। ये सब क्या है, स्टील को आयरन ओर से बनाएंगे, ब्रेड की बेकिंग करेंगे तो उसको आटे को गूंथेंगे बकायदा तब बेक करेंगे, क्लोथ को बना बुनने के लिए हमें कपड़े कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी, वो कॉटन भी रॉ मटेरियल के रूप में आएगी और उसके बाद उसका सूत वगैरह काट कर उससे जो है वीविंग करेंगे। तो ये आपका सेकेंडरी सोर्सेज में आता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। टर्शियरी एक्टिविटीज़ में जैसे बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो हम प्रोवाइड कराते हैं, वो भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, किसी सामान को, रेडीमेड गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, व्यापार करना, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये सब की एडवर्टाइजिंग है, हॉस्पिटलाइजेशन है, मेडिकल केयर है, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी की सारी जो है वो टर्शियरी सेक्टर में इन्वॉल्व होती हैं। अब एग्रीकल्चर की एक प्राइमरी एक्टिविटी है, इसमें क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, रियरिंग और पशुपालन भी जो होता है वो हमारे एग्रीकल्चर में ही शामिल किया गया है। लगभग वर्ल्ड का 50% इंसान जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंगेज है, और 2/3 हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। और एग्रीकल्चर के लिए जो है टोपोग्राफी अच्छी होनी चाहिए, फेवरेबल सॉयल और क्लाइमेट मिलना चाहिए एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेन फैक्टर्स हैं एग्रीकल्चर के लिए वो क्या है, फेवरेबल टोपोग्राफी, सॉयल, क्लाइमेट, ये सब है। लैंड जो अच्छी तरह क्रॉप्स पर ग्रोन होते हैं उनको बोलते हैं एरेबल लैंड। मैप में आपको ये देखिए शो किया गया है, ये एरेबल एरियाज हैं, ये जो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका के एरियाज हैं जहाँ पर ये खेती होती है, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर इसमें, यहाँ देखिए यहाँ पर खेती हो रही है, ये इंडिया का पूरा लगभग पूरा एरिया ही खेती से भरा हुआ है, ये चाइना वगैरह की बात है, चाइना में कमी खेती होती है, इधर देखिए साउथ कोरिया है, म्यांमार है, और यहाँ यूरोप, ये सब खेती दिखाई गई है। अब आता है कि फार्म सिस्टम की बात करें, तो फार्म सिस्टम के लिए जो है इंपॉर्टेंट इनपुट्स में सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, इन सब का यूज़ करते हैं हम लोग, लेबर वगैरह का यूज़ करते हैं, जिससे कि अच्छी खपत मानी जाती है और अच्छी जो है खेती हो सकती है। फार्मिंग की टाइप्स की हम बात करें, तो फार्मिंग की टाइप्स में हमें ये देखा गया है कि कई सारी जो कंडीशन, जैसे ज्योग्राफिकल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, प्रोड्यूस डिमांड ऑफ प्रोड्यूस कैसी है, लेबर कैसा है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, फार्मिंग के लिए कैसे यूज़ की गई है। दो मेन टाइप की यहाँ फार्मिंग की बात की गई, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और कमर्शियल फार्मिंग। बच्चों, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब है इसमें जो प्रैक्टिस की जाती है फार्मिंग की, उसमें फार्मर्स अपनी फैमिली की नीड को पूरा ध्यान में रखता है, और यहाँ पर लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, हाउस होल्ड लेबर का इस्तेमाल किया जाता है स्मॉल, लेकिन इसमें जो आउटपुट मिलता है वो स्मॉल मिलता है। जबकि कमर्शियल फार्मिंग जो होती है उसमें क्या कहते हैं, क्रॉप्स को एक कमर्शियल वैल्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे ग्रो किया जाता है, मार्केट में बेचा भी जाता है, और एनिमल्स को रियर भी किया जाता है, एनिमल्स भी पाले जाते हैं। अब इसमें कैपिटल्स की आवश्यकता ज़्यादा होती है और लार्ज स्केल पे ज़रूरत होती है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं बात करूँगी, पहले सब्सिस्टेंस फार्मिंग में दो टाइप की फार्मिंग है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है और प्राइमरी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक ये ऐसी प्रैक्टिस है फार्मर की जो कि स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे होती है, जिसमें सिंपल टूल्स और मोर लेबर्स यूज़ की जाती है। अब इसमें जैसे हमारे खेतों में काम किया जाता है तो उसमें क्या होता है, लोगों की फसलें जो है सूर्य की रोशनी पर और फर्टाइल सॉइल पर डिपेंड करती है, पानी कितना बरसेगा उस पर डिपेंड करती है। राइस हमारे यहाँ की मेन क्रॉप है, इसके अलावा वीट, मेज, पल्सेज, ऑयल सीड्स, ये सभी उगाए जाते हैं, मॉनसून सीजन का वेट किया जाता है बकायदा। साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में तो बहुत ज़्यादा ये इन सब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है।
अब आता है प्राइमरी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्राइमरी सब्सिस्टेंस में इसमें क्या होता है, प्रिमिटिव का मतलब हुआ कि जो लोग पहले खेती करते थे पुराने मेथड से, पुराने मेथड में झूम खेती होती थी। झूम खेती का मतलब ये होता था, ये लगभग आज भी होती है साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट एशिया में। इसमें क्या होता है, जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं उनको पहले काटा जाता है, काट कर इसे अमेजन बेसिन के आसपास का एरिया, ट्रॉपिकल अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इनमें आज भी हैवी रेनफॉल होता है, क्विक रिजनरेशन हो जाता है वेजिटेशन का। तो पहले प्लॉट के लैंड को ये लोग क्या करते हैं, लैंड एरिया को पूरा मतलब डिफॉरेस्ट करते हैं, काटते हैं, उसके बाद वहाँ पर छोटे छोटे प्लांटेशन करते हैं। तो उसके प्लांटेशन करने से पहले, क्रॉप्स को उगाने से पहले क्या करते हैं कि उस पूरे एरिया को जला देते हैं। जलाने के बाद जो उसकी ऐश होती है वो भी मिट्टी में मिल जाती है, उसे भी माना जाता है कि जो सॉयल उसकी फर्टिलिटी बढ़ रही है तो बढ़ती है। तो ये इस तरीके से उसमें कसावा है, मेज़, याम, पोटैटो है, ये सब ग्रो किया जाता है। और जब सॉयल अपनी फर्टिलिटी खो देती है तो लैंड को ऐसे ही खाली छोड़ दिया जाता है, और फिर ये कल्टीवेटर्स क्या करते हैं, एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह भी खेती करते हैं। तो इसको बोलते हैं झूम खेती, या फिर बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। नॉर्मैडिक हर्डिंग का मतलब ये हुआ बच्चों कि ये एक ऐसी प्रैक्टिसिंग है जिसमें कि सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में, सहारा है, सेंट्रल एशिया है, राजस्थान, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर ये नॉर्मैडिक खेती होती है। इसमें जो झुंड के झुंड ये होते हैं लोग, वो अपने जानवरों को पालते हैं और वो एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं, उनके लिए घास चारे की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं, डिफरेंट रूट्स पे रहते हैं, रुकते हैं, और उसमें शीप, कैमल, याक, गोट्स, ये सब पाले जाते हैं, और उनके मिल्क के लिए, मीट के लिए, वूल के लिए, ये सब जगह जगह पर रुकते हैं, और जगह जगह इनकी फैमिलीज भी रहती हैं। इसमें जैसे हमारे यहाँ के गुजर लोग हैं, गुजर लोग जो है इस तरीके की नॉर्मैडिक हर्डिंग भी करते हैं। अब मैं कमर्शियल फार्मिंग की बात करूँगी। कमर्शियल फार्मिंग मैंने बोला था आपको कि कमर्शियल खेती जो होती है वो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे होती है, मार्केट की वैल्यू के हिसाब से। इसमें मेनली जो है बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेनली जो है पर्पस इसका ये होता है कि इससे जो है मनी माइंडिंग करना है, मनी मेकिंग करना होता है। ये मेजर एरियाज जो टेम्परेट ग्रास लैंड है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, इनमें होती है, और ये कई हेक्टेयर, जो 100 हेक्टेयर से ज़्यादा का खेत होता है वो इसमें बाकायदा पूरा इंगेज होता है फार्मिंग के लिए। अब आता है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग का मतलब होता है कि इसमें जो है फूड और फोडर, यानी कि उपज भी उगाई जा रही है और साथ में चारा भी उगाया जा रहा है। तो इसको बोलते हैं पशुपालन के लिए जो चारा भी उगाते हैं साथ साथ फूड भी उगाते हैं, तो इसको मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। ये यूरोप में प्रैक्टिसाइज की जाती है, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में। अब प्लांटेशन जो अलग टाइप के भी होते हैं, प्लांटेशन का मतलब है कि जहाँ पर स्पेशल टाइप के एक ही टाइप के जो है कुछ ऐसे प्लांट उगाना जिससे कि कुछ कमर्शियल फार्मिंग हो सके, जैसे कि चाय की खेती है, कॉफ़ी है, शुगर केन है, कैश्यू नट है, रबर, बनाना, कॉटन, ये सब लार्ज अमाउंट पे ग्रो किया जाता है, जिससे कि जिसमें लेबर और कैपिटल दोनों ही रिक्वायरमेंट होती है, उनको प्लांटेशन बोलते हैं। ये जैसे चाय की फैक्ट्री लोग लगाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, रबर मलेशिया वगैरह में, कॉफ़ी ब्राज़ील में, टी इंडिया में और श्रीलंका में, ये सब जो है ये प्लांटेशन हो रही है, बनाना प्लांटेशन जैसे दिखाया गया। अब मेजर क्रॉप्स हमारे यहाँ कौन कौन सी हैं, मेजर क्रॉप्स राइस, वीट, मेज़, मिलेट्स, जूट, ये सब होता है, और बीवरेज क्रॉप्स भी जैसे टी है, कॉफ़ी है, ये उगाई जाती है। राइस की खेती के लिए मेनली जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स बहुत अच्छा है, जिसमें जिसकी स्टेपल डाइट ये है, राइस है। राइस को हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल चाहिए, और एल्यूवियल सॉयल इसके लिए बहुत अच्छी। एल्यूवियल और क्ले सॉयल में जो राइस होता है वो वाटर को रिटेन करता है। चाइना जो है राइस का प्रोडक्शन करने में बहुत तेज है, मगर इंडिया के आगे नहीं है, क्योंकि इंडिया सबसे ऊपर है राइस को उगाने में, उसके बाद चाइना, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ये 2 या 3 जगह हैं जहाँ पर राइस की खेती पूरे साल भर होती है। वीट में, वीट को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, थोड़ी गर्म वातावरण चाहिए, रेनफॉल भी चाहिए लेकिन सीजन के अकॉर्डिंगली चाहिए, और ब्राइट सनशाइन चाहिए। जब गेहूँ पकता है तो उसमें बहुत गर्मी चाहिए होती है उसको। इसमें यूएसए है, यूएसए 1 नंबर पे आता है वीट की खेती के लिए, फिर कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया है, और फिर इंडिया का नाम भी है। इंडिया विंटर में भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर वीट ग्रो कर लिया जाता है। अब मिलेट्स में हम करेंगे तो कोर्स ग्रेन की बात करते हैं। इसमें जो है लेस फर्टाइल सैंडी सॉइल्स में भी मिलेट्स हो जाते हैं, मोटा अनाज जैसे बाजरा है, राई है, जौ है, ये सब उगते हैं, और ये मेनली जो है इनमें पर्याप्त मात्रा में रेनफॉल चाहिए होती है, इनको मॉडरेट थोड़ा गर्म टेम्परेचर चाहिए। ज्वार, बाजरा, रागी ये इंडिया में ग्रो करते हैं, दूसरे कंट्री जैसे साउथ अफ्रीका में जैसे नाइजीरिया है, चाइना है, नाइगर है, यहाँ पर भी ये मिलेट्स उगते हैं। मेज़ के लिए जो है मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल ठीक ठाक चाहिए, लॉट्स ऑफ सनशाइन बहुत चाहिए। मेज़ की ग्रो के लिए नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया, मैक्सिको के इन्वॉल्व है। कॉटन की खेती के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, कम रेनफॉल चाहिए, 200 से लेकर के 10
फ्रॉस्ट फ्री डेज और बहुत सनशाइन चाहिए होती है कॉटन के लिए। ब्लैक और एल्यूवियल सॉयल जो इसके लिए बहुत अच्छी होती है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राजील और इजिप्ट ये लार्ज प्रोड्यूसर हैं कॉटन के लिए। जूट के लिए, जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। जूट की खेती के लिए सबसे ज्यादा एल्यूवियल सॉयल बहुत अच्छी होती है बच्चों। हाई टेम्परेचर रिक्वायर है, हैवी रेनफॉल चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए और ट्रॉपिकल एरिया जैसे इंडिया के ट्रॉपिकल एरिया में बांग्लादेश वगैरह है यहाँ पे जूट की खेती बहुत अच्छी होती है। कॉफी प्लांटेशन के लिए वार्म गर्म क्लाइमेट चाहिए, गर्म और वेट क्लाइमेट मतलब गर्म और ठंडा, या कह सकते हैं गर्म और गीला वातावरण चाहिए जहाँ पर बारिश हो अच्छी तरीके से। और यहाँ पर लोमी सॉयल की ज़रूरत होती है, चिकनी मिट्टी की, और ये हिली एरियाज में सबसे ज़्यादा होती है क्रॉप कॉफ़ी की। इसके लिए मेनली ब्राज़ील है और कोलंबिया और उसके बाद इंडिया की बात आती है कि पहले सबसे पहले ब्राज़ील जो है वो लार्ज प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का, फिर कोलंबिया और फिर इंडिया। टी जो है, टी एक खास क्रॉप है, बीवरेजेस क्रॉप जो पेय पदार्थ उगाती है। इसमें मेनली कूल टाइम क्लाइमेट टेम्परेचर चाहिए, ये हाई रेनफॉल भी चाहिए जहाँ पर कूल कम टेम्परेचर होता है जैसे कि हिली एरियाज में, वहाँ पर इसकी जो टेंडर लीव्स होती हैं चाय की वो बहुत अच्छी तरह उग जाती हैं। और इसको लोमी सॉइल चाहिए होती है, चिकनी मिट्टी, जेंटल स्लोप्स वगैरह में के पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत होती है। लेबर जो है उसमें कुछ ही रिक्वायरमेंट होती है। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका ये सब लार्जर प्रोड्यूसर हैं। अब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए हम बात करेंगे बच्चों। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए क्या है कि पहले के टाइम पर लोगों के पास इतनी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आजकल जो है इरीगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया गया है, बहुत अच्छी तरह सीड्स लाए गए, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं। फर्टिलाइजर्स का, बायो फर्टिलाइजर्स का, ऑर्गेनिक खेती का यूज़ किया जा रहा है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट का यूज़ किया जा रहा है। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल मतलब मैकेनाइजेशन हो गया है अब एग्रीकल्चर का, यानी कि अब नई नई टेक्नोलॉजी के लिए नए नए हार्वेस्टर्स आ रहे हैं, नए नए मैकेनिकल टूल्स आ रहे हैं जिससे कि खेती की जाती है, जैसे कि जिनका एक ही एम होता है कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करें जिससे कि फूड सिक्योरिटी बढ़ सके हमारे देश में। अब हमारे इंडिया के जो फार्म है जिसमें देखा गया है, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा विलेज है अलीदाबाद, वहाँ पर मुन्ना लाल जो है वो 1.5 हेक्टेयर की खेती करता है, छोटा किसान है, लेकिन उसको ये एडवाइस की गई है कि वो गवर्नमेंट जो है लोन प्रोवाइड कराती है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए, जिससे कि वो एक अच्छे ट्रैक्टर वगैरह भी ले, और ट्रैक्टर वगैरह भी जो है रेंट पे मिल जाते हैं जिससे कि वो प्लोइंग को बढ़ा सकता है। ट्रेडिशनल मेथड जैसे बुलक्स वगैरह लोग पहले यूज़ करते थे, लेकिन अब जो है वो ट्रैक्टर वगैरह को लेकर के भी रेंट पे खेती करवाते हैं और उससे बहुत ही ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलता है। अब मिल्क, इसके अलावा वो जो है जानवर भी पाल सकता है जिसमें हाई यील्डिंग ऑफ मिल्क हो सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह का ज्वाइन कर सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं वो लोकल एरिया में होती हैं और वो इनको लोन भी प्रोवाइड कराती हैं रियरिंग करने के लिए। हाई एग्रीकल्चर वैरायटी सीड्स जो होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इनके लिए भी कोऑपरेटिव सोसाइटी इनको पैसा देती है। मंडी वगैरह में भी इनका माल जाता है और अच्छी तरीके से बिकता भी है। स्टोरेज फैसिलिटीज़ इनके पास नहीं होती छोटे किसानों के पास, तो उनको वहाँ पर हाई स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी मिल सकती है। अब हम यूएसए की बात करेंगे तो यूएसए में क्या होता है कि लार्ज स्केल की पर खेती होती है, लार्ज फार्म्स होते हैं 250 हेक्टेयर से भी ऊपर। यहाँ पर जैसे सोयाबीन है, वीट, कॉटन, शुगर बीट वगैरह उगाई जाती है। मिड वेस्ट एरिया में यूएसए वगैरह में जहाँ पर 300 हेक्टेयर के लैंड है, लोआ यूएसए में लोआ स्टेट है, आयोवा स्टेट है, यहाँ पर सॉयल और वाटर रिसोर्सेज जो है वो अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हैं और अवेलेबल भी हैं। एडिक्वेट मेजर्स हैं कंट्रोल करने के लिए पेस्ट वगैरह को, ताकि क्रॉप्स को डैमेजिंग से बचाया जा सके। तो यहाँ पर जो सॉयल है उसको पहले उसका सैम्पलाइजेशन होता है, सैंपल लिया जाता है जैसे कि टेस्टिंग की जाती है सॉयल जो है वो किस प्रकार की खेती के लिए अच्छी है, उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स कवर हैं। अब आता है कि यहाँ पर फर्टिलाइजर्स वगैरह के प्रोग्राम्स भी टाइम टाइम पर चलाते हैं और एरोप्लेन से फर्टिलाइजर्स वगैरह है और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स है वो भी देखिए खेतों में डाले जा रहे हैं, इसको एरोप्लेन से भी डाले जाते हैं, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का भी वो लोग ग्रो करते हैं, वो छिड़काव करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, ट्रैक्टर से खेती करते हैं, ड्रिल मशीन यूज़ करते हैं, लेवलर्स है, कम्बाइंड हार्वेस्टर्स है, थ्रेशर्स हैं, उनको यहाँ पर एग्रीकल्चर पर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व किया जाता है और उनसे काम किया जाता है। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज करने के लिए, अनाज के स्टोर के लिए यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी मार्केट एजेंसीज को डिस्पैच किया गया, जबकि लार्ज स्केल पर बिजनेसमैन जो होता है पीजेंट फार्मर्स वो सब यूएसए में वर्क करता है। तो देखिए ये इस तरीके से मैकेनाइज तरीके से खेती हो रही है कि यहाँ पर देखिए ये प्लानर्स है, लेवलर्स है, ये ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, हार्वेस्टर्स हैं ये, यानी कि ये लोग टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स वगैरह से अच्छी तरीके से खेती करते हैं। तो बच्चों ये कुल मिला के पूरा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन एंड प्लीज स्टे योर एट होम एंड प्लीज ऑल टेक केयर, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ टू एंड टिल देन माई नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।